फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अप टू द मार्क क्या है। कुछ लोगों ने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखा तो कुछ लोग मेरे फेसबुक आईडी पर। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि ये अप टू द मार्क क्या है और स्पोकन इंग्लिश में आप इसे कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड, फेजल वर्ड अप टू द मार्क मीन्स सेटिस्फैक्टरी, यानी अगर आप अप टू द मार्क को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि सेटिस्फैक्टरी मीन्स क्या होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो पता ही होगा कि सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतोषजनक, या अगर हम अपनी जुबान में कहें तो हम कह सकते हैं मन के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आप एक वर्ड अपने दिमाग में रखें जो है सेटिस्फैक्टरी। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो योर इंग्लिश इज अप टू द मार्क, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ योर इंग्लिश इज सेटिस्फैक्टरी, यानी आपकी जो इंग्लिश है वह संतोषजनक है या मन के मुताबिक है, यानी अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो हिज वर्क इज अप टू द मार्क, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ हिज वर्क इज सेटिस्फैक्टरी, यानी उसका जो काम है वह संतोषजनक है, यानी उसका जो काम है मन के मुताबिक है। अगर बहुत अच्छा नहीं है यानी एक्सीलेंट नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, यानी एवरेज है। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो माय अर्निंग इज नॉट अप टू द मार्क, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ माय अर्निंग इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यानी मेरी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छा नहीं है, यानी संतोषजनक नहीं है या मन के मुताबिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, फेजल वर्ड अप टू द मार्क मींस सेटिस्फैक्टरी, यानी संतोषजनक या मन के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको अप टू द मार्क का मीनिंग समझ में आया। आइए फ्रेंड्स एक दो और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं माय बिजनेस इज अप टू द मार्क, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ माय बिजनेस इज सेटिस्फैक्टरी, यानी जो मेरी बिजनेस है वो मन के मुताबिक है या संतोषजनक है, यानी अगर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, मेरी बिजनेस एवरेज में है। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ माय लर्निंग इज नॉट अप टू द मार्क, तो इसका मीनिंग हुआ माय लर्निंग इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यानी जो मेरी लर्निंग है वह संतोषजनक नहीं है, वह मन के मुताबिक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि फेजल वर्ड अप टू द मार्क का यूज आप शानदार तरीके से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप फेजल वर्ड अप टू द मार्क को समझे तो प्लीज आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो योर टीचिंग इज अप टू द मार्क, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।